छत्रपति शिवाजी महाराज भगवान शिव शंकर की उपासना करते थे। वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। कुछ लोग तो उन्हें भगवान शिव का अवतार भी मानते हैं। वो शिवालय में जाकर महादेव के शिवलिंग की पूजा करते थे, उस पर जलाभिषेक भी करते थे। पर उनके पास और भी एक छोटा सा शिवलिंग रहता था। उस शिवलिंग का नाम था चंद्रशेखर शिवलिंग। शिवराय हमेशा ये चंद्रशेखर शिवलिंग अपने पास रखते थे। युद्ध में, समझौते में, राजदरबार में हर वक्त चंद्रशेखर शिवलिंग उनके पास रहता था। औरंगजेब के 50वें जन्मदिन पर शिवराय जब आगरा गए थे, तभी ये शिवलिंग उनके पास ही था। आगरा से औरंगजेब के आंखों में धूल झोंककर छत्रपति शिवाजी महाराज स्वराज की तरफ निकले, तब ये शिवलिंग वो वहीं पे भूल गए थे। पर महाराज के मुस्लिम साथीदार मदारी मेहतर ने ये शिवलिंग बड़े सम्मानपूर्वक अपने पास सुरक्षित रखा था। वो जब रायगढ़ पे वापस आए, तब ये शिवलिंग उन्होंने अपने महाराज को विनम्रतापूर्वक सौंप दिया था। 3 अप्रैल 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज का देहांत हुआ, तब भी चंद्रशेखर शिवलिंग उनके पास ही था। छत्रपति शिवाजी महाराज के मृत्यु पश्चात भी उस शिवलिंग की रायगढ़ पे पूजा की जाती थी। 1689 को रायगढ़ को जुल्फिकार खान ने घेर लिया था, लेकिन यह शिवलिंग उसके हाथ में नहीं लगा। आगे शिवराय के दूसरे सुपुत्र छत्रपति राजाराम महाराज ने इसी शिवलिंग को श्रद्धापूर्वक संभाला। महारानी ताराबाई 1670 में इसी शिवलिंग को सिंहगढ़ पर लेके गई थी। आगे पेशवाई के काल में माधवराव पेशवे इसी शिवलिंग को पुणे के शनिवारवाड़ा में लेके गए। आधुनिक काल में 1970 के दशक में यही शिवलिंग राजाराम महाराज के समाधि के पास रखा गया था। फिर 1980 में शिवराय का यह चंद्रशेखर शिवलिंग शिवराय के वंशज सातारा के छत्रपति की मातोश्री सुमित्रा राजे भोसले इनके पास रखा गया था।